बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यूज में बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं आपके दिमाग को परखने के लिए, और मुझे तो ऐसे सवालों को सुनने में और उनका जवाब देने में बड़ा मजा आता है। तो चलो एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 7 केले हैं और उन्हें आपको 8 जनों में बराबर बांटना है, लेकिन शर्त यह है कि आपको केलों को काटना नहीं है। तो अब आप ये काम कैसे करोगे, यही आपको बताना है। सोचिए आराम से। सोच लिया तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, आपको करना क्या है, उन 7 केलों का शेक बनाना है और फिर उसके बाद आपको 8 जनों में बराबर बांट देना है। आपको केले काटने भी नहीं पड़े और बराबर बट भी गए। गाइस, है ना इंटरेस्टिंग सवाल। IAS के इंटरव्यू का एक और इंटरेस्टिंग सवाल सुनिए और सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सवाल कुछ यूं है कि एक बार वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आसपास के लोगों ने वकील के बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखा, उसने तुरंत कहा कि ये तो मेरा बेटा है, पर ये तो वकील का बेटा था। अब सवाल यह है कि दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? इसी बात का जवाब आपको चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए, इस बात का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है? वो सिंपल तरीका यह है कि वकील उसका बाप था लेकिन डॉक्टर उसकी मां थी। गाइज, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए गाइज, एक बहुत ही मजेदार लेकिन बुद्धिमान सवाल पूछता हूं, और अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना कि आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। सवाल यह है कि रोहन मई में पैदा हुआ लेकिन उसका जन्मदिन जून में आता है, अब ये कैसे संभव है, यही आपको बताना है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोच लो, और सोचने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करना, मेरे आंसर से मैच करना और फिर चैट सेक्शन में लिखना कि आपने सही बताया था या गलत। पॉज कर लिया, सोच लिया, मैं बताऊं तो चलो सुनो। रोहन मई में पैदा हुआ था। मई यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट की एक जगह का नाम है और वह जून में जन्मदिन अपना बनाता है, तो सही तो है। मई में पैदा हुआ और जून में जन्मदिन आता है, सही है ना। IPS के फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे एक बंदे को अंग्रेजी भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इंटरव्यूअर ने उन्हें कहा कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम प्रशासन कैसे चलाओगे। तो बंदा सोच में पड़ गया, तो इतने में इंटरव्यूअर ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी पी के जवाब दे दो। तो उस बंदे ने सोचते हुए कहा कि सर मैं पानी नहीं पी सकता। तो इंटरव्यू ने कहा कि क्यों नहीं पी सकते? तो उसने कहा कि ये पानी मैं इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि ये कांच के ग्लास में है, मुझे स्टील के ग्लास में पानी पीना है। तो इंटरव्यू को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि पानी का ग्लास से क्या लेना देना। तो उस बंदे ने कहा कि सर यही तो मैं कह रहा हूं, जैसे कि पानी इंपॉर्टेंट है ग्लास नहीं, वैसे ही मेरी कार्य शक्ति इंपॉर्टेंट है भाषा नहीं। और फाइनली इस जवाब के बदौलत उनका सिलेक्शन हो गया और ये रियल घटना, और उस बंदे का नाम है IPS मनोज कुमार शर्मा। गाइज, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइज, एक जिंदगी की पहेली पूछता हूं। मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और भयंकर तूफान आ रहा है और आप अचानक से बस स्टैंड के सामने से निकलते हैं और वहां पर 3 लोग खड़े हैं। पहली एक बूढ़ी औरत जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, दूसरा वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में आपकी जान बचाई थी, और तीसरा वो व्यक्ति जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब अगर आपकी कार में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह हो तो आप किसे बिठाएंगे, ये सवाल है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल है। आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने आपकी ज़िंदगी बचाई थी कि वो कार चलाए और उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाए, और आप अपने जीवन साथी के साथ बस स्टैंड पर वेट करेंगे उसी व्यक्ति का, ताकि वो वापस आए और आपको लेकर जाए। गाइस, ऐसे अमेजिंग प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।